देखिए अपनी इस पेंटिंग में हम ये डक को कलर करने के लिए कैसे करेंगे। डक ये जो बोट है हमारी डक वाली, इसमें हमने पहले इस तरीके से आउटलाइन कर लिए ग्लास लाइनर से। तो अब हम जब ग्लास लाइनर से आउटलाइन कर लिए और हमें ये व्हाइट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे ताकि 3D इफेक्ट में ही आए। तो आउटलाइनर हमने जैसे जिस इस साइड से आउटलाइनर किया है, ये ऊपर की साइड है, ये सूख गया है, और अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, पलट लेंगे, और फिर ये व्हाइट एक्रेलिक कलर लेके, एक्रेलिक कलर कोई भी व्हाइट लेके उसको इस तरह से कर देंगे। इससे क्या होगा, इस तरह से बैक साइड में करने पे हमारा ये जो लाइंस हैं वो बिगड़ेंगी नहीं और हमारा 3D इफेक्ट भी आएगा। यानी कि वरना हमारी क्या होती है, लाइंस के ऊपर भी ये ब्लैक आ जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फिर से हमें फिनिशिंग करने की जरूरत होती। अभी क्या है, देखिए आराम से हम ऐसे करके कर देंगे, ये देखिए, और इसे टर्न करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से फिनिशिंग से आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो हमें ये इसकी बैक डक की बैक में व्हाइट साइड व्हाइट कलर को करना है, तो ये व्हाइट हो जाएगी इस तरीके से ब्लैक आउटलाइन के साथ। वरना ये देखिए बहुत डिटेलिंग वर्क किया हुआ है छोटा छोटा आपने आउटलाइन से आउटलाइनर से ब्लैक से, तो फिर उसमें करेंगे तो फिर सारा ब्लैक के ऊपर व्हाइट आ जाएगा, फिर आप उसे करते फिर। इसलिए अच्छा तरीका ये कि जब आप आउटलाइन कर लें सारी तो उसे पलट दीजिए जैसे मैंने ये करके दिखाया है, और उस तरीके से बैक साइड में कलर करिए तो बहुत अच्छा आएगा। और पानी के लिए जो हमने चार्ट पेपर लिया था, जिस चार्ट पेपर पे हमने ये कलर का चार्ट पेपर लिया है जिसपे हमने ये ड्रॉ करे थे, तो पानी भी हम उसी जगह पर, इसमें तो ग्रीन पिकॉक ग्रीन जैसा डार्क ग्रीन मतलब डार्क कलर का पानी हो रखा है काई जैसा, आप इसकी जगह ब्लू ले सकती हैं या पिकॉक ब्लू ले सकते हैं, पिकॉक ब्लू तो वो ब्लूइश ग्रीनिश पानी का कलर आ जाएगा। तो वो लेके सिंपल अपने जो चार्ट पेपर पे जहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया जो हमारी बोर्ड का एरिया है वहां पर ये वाला कलर कर दे पिकॉक ग्रीन या पिकॉक ब्लू, ठीक है, थोड़ा सा तो बस। और बाकी हमने ये वाली चीजें स्टेम ब्रांचेस वगैरह वो हमने एक्रेलिक कलर से किए, ये भी हम एक्रेलिक कलर से करेंगे। और फिर उसके बाद अपनी जो भी आपने बनाई हुई है पूरी, इसको पहले नीचे अपना चार्ट पेपर रखना है, उसके बाद इसको ऊपर से रखना है ग्लास को, और फिर फ्रेमिंग करा देनी है, दैट्स इट।